भाई और उनकी बहनों क्या हाल है। तो मैं वापस आके एक और ब्लॉग के साथ, और अगर अभी तक आपने जोगी बासो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम टिकटॉक सलमाना पर ट्रिपल जीरो। मुझे उम्मीद है कि आपका दिल कर रहा होगा कि चपेर मारूँ, मैं मार ले। तो इस तकरीबन कोई 14 दिनों बाद जाके कैमरा पकड़ा दो हफ्तों बाद, उनके घर में काम हो रहा है, इसका ब्लॉग अभी रेडी हो रहा है। पूरे घर के काम का एक ही ब्लॉग आएगा इंशाल्लाह, तो वो देखना ना भूलेगा। तो आज है संडे का दिन और आपका भाई बड़ा ब्लैक मैन बन के बैठा हुआ है, कपड़े फुली ब्लैक, इनके हुडी, मोबाइल कवर और वॉच भी ब्लैक स्ट्रैप के साथ में। बड़ी थकान हो रही फ़िलहाल, थोड़ा सांस चढ़ रहा है, जल्दबाजी में ऊपर आया। तो यहाँ से करते हैं व्लॉग का स्टार्ट। और आज है संडे, आज हमने जाना है बाहर। सोच रहे हैं अभी फ़िलहाल इम्पोडियम, पैकेजेस और चिड़ियाघर, इन तीन जगहों में से एक जगह हम जाएंगे। अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ किधर जाएंगे और कौन कौन जाएगा, बट जाना है, मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो देखते हैं अभी किधर जाते हैं। तो यार फैसला हो गया चिड़ियाघर जाना है। तो यार चिड़ियाघर पहुँच गया और रश बहुत ज़्यादा है, टिकट लेने के लिए मैं ही आया हूँ, देखते हैं मिलती है नहीं। उफ, बड़ी लंबी लाइन के बाद फिर मेरी बारी आएगी और टिकटें मैं लेने के लिए आ गए हैं। 60 टिकटें लेनी है, हम 7 कज़न्स आए हैं और 60 टिकटें लेनी हैं। तो फिलहाल 7 तो बड़े हैं, तो बड़ी टिकटें और बकाया पैसे, फाइनली टिकटें मिल गई। तो बड़े रश के बाद एंटर हो गए और रश बहुत ज़्यादा है, देखते हैं जाए तक नहीं। एंटर होते साथ ही हमें मिला ज़राफ़ा, दुनिया का तवील जानवर, और ये है शुतुरमुर्ग। अंडे भी पड़े हुए शुतुरमुर्ग के फिलहाल। जितना रश पूरे जू में ना उतना ही रश तकरीबन ना शेर के पास है, जरा जगह नहीं मिल रही, आगे चलते हैं। फाइनली जगह मिल गई। और ये कौन है? ये शबनम का आशिक है, शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। अच्छा अच्छा, बड़े अफसोस की बात। हाँ बहुत अफसोस की बात। चलिए चलिए चलो भाई, थाने में। ओए थाने में। ये कौन है? ये वो है जिससे शबनम की शादी हुई थी। चल चल बकवास की बातें करता है, टाइम वेस्ट कर रहा है। चल 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 अंदर जा। ये शबनम है। अरे यही तो शबनम है। तेरा मजाक बहुत हो गया। और बड़ी देर बाद कोई बड़ा जानवर, कोई सही जानवर नजर आया गेंडा। और यहाँ रश भी लिए, वाकई ये बहुत ताकतवर जानवर है और वाकई ये बड़े, यानी कि करीब से देखना पड़ रहा है ये जानवर, बार बार करीब से देखना नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ रश इतना होता है। अब शेर वाली साइड पर रश है और ये जगह खाली है, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ अंदर वाली साइड पर रश ही बहुत, तो हम आगे तोता वाली साइड पर। और ये मेरा ख्याल है वाइट मुर्गी है, इसे सफ़ेद मुर्गी कहा जाता है यहाँ। और आगे बड़े मज़ेदार जानवर देखते रहे यार। मियाँ मिठू चुड़ी खानी, और ये पहला जानवर है जिसे मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ। तो नकली है। अरे तो यार टाइम बहुत हो गया, अगर अंदर रश बहुत था, सारे मज़ा नहीं आ रहा था, तो इसलिए जल्दी जल्दी आ रहा घर पहुँचे। चलो सारे तो फाइनली यार घर पहुँच गए हैं, और घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, रात हो गई फिलहाल। तो और लाइक और सब्सक्राइब कर देना जोगी बासो व्लॉग एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम टिकटॉक सलमान आवर 000। और क्या नाम है, व्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि अभी मैं गिरने वाला था, व्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि यार घर का काम हो रहा है। तो जैसे ही मुकम्मल होगा तो व्लॉग आएंगे। पूरे घर का काम मैं एक ही व्लॉग में लेकर आ रहा हूँ। अगर मैं डेली कर लेता ना तो 15 से 16 दिन में तकरीबन हो गई मुझे ये काम कराते कराते, और ना कोई इतना खास मज़ा आना था। तो टोटल घर के काम का एक ही व्लॉग आएगा, मैं सिर्फ काम को एंड करके उसके बाद जाके इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार व्लॉग आएंगे, वो देखना ना भूलिएगा। सो ओका फ्री।